What the tech is going on, friends? मेरा नाम है फिकिन डिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एंड वीडियो एडिटिंग एक ऐसा स्किल दोस्तों जिसने मेरी लाइफ ही बदल दी है। ऑब्वियसली थैंक्स टू द इंटरनेट एंड गुड यूट्यूबर्स, आप लिटरली कुछ भी इंटरनेट से फ्री में सीख सकते हैं। वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही नहीं, कुछ भी आप सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो। एंड स्किल्स आर रियली नेसेसरी। ऑब्वियसली दोस्तों इंटरनेट की हेल्प से मैंने खुद सीखा है और साथ में खुद का भी एक्सपेरिमेंट लगाया है, साल भर एडिट किया है और ऑब्वियसली आज 5-6 साल बाद आई एम अ प्रीटी डिसेंट एडिटर, ग्रेट नहीं बोलूँगा। बट इसके साथ ऑब्वियसली यूट्यूबर्स बनने की और एक पर्क ये भी है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, कमेंट मिलता है, लाइक मिलता है। लाइक कर देना वैसे बाय द वे। बट आपको पता है दोस्तों कि मैं एक टीचर हूँ, तो जब स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे तब फिर से मुझे डेली जर्नी करना होगा एक्सेप्ट संडे। इसीलिए दोस्तों मैंने स्पेशली आईपैड एयर 4 को खरीदा था, जो कि आपको जरूर से पता होगा। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आईपैड एयर 4 में आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट ए ट्यूटोरियल, इट्स काइंड ऑफ ओवरव्यू। जिस ऐप का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उसका नाम है लूमा फ्यूजन। अब यस, ये एक पेड ऐप है, बट नो डाउट गाइज iOS प्लेटफॉर्म में इससे बेहतर कोई भी ऐप नहीं है। बहुत ही दोस्तों ये सॉलिड वीडियो एडिटिंग ऐप है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्विक ओवरव्यू। एंड डेफिनेटली गाइज अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर पहले से ही कर दिया है देन थैंक यू। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी कुछ फाइल्स की, तो इसे मैं इंपोर्ट करूँगा थ्रू माय सैनडिस्क पेन ड्राइव। इसे आप बोथ USB टाइप ए और टाइप सी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और इसका प्राइस है अराउंड 900 रुपीज़ फॉर 64 GB। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी मेरा पेन ड्राइव फाइल्स ऐप में शो हो रहा है और यहाँ से मैं मेरे वीडियो को कॉपी कर लूँगा और एक फोल्डर में जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और क्योंकि दोस्तों ये USB 3.1 जनरेशन पे बेस्ड है तो रीड स्पीड दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आपको फास्ट मिलती है। एज़ यू कैन सी ये पेस्ट भी हो चुका है। नाउ ओपन करते हैं लूमा फ्यूजन और आप इसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही मोड में यूज कर सकते हैं। आई विल यूज लैंडस्केप। ये प्लस आइकॉन से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूंगा और यहाँ पर दोस्तों आप अलग से फ्रेम रेट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो सब कुछ सेट कर सकते हैं। लेट मी गिव इट अ नेम एंड इट्स डेमो वीडियो। प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो चुका है और यह है पूरा ब्लैंक टाइमलाइन। चलिए अब हम अपने वीडियो फाइल को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब आप चाहे तो दोस्तों पूरा वीडियो ड्रैग कर सकते हैं या फिर एक स्पेसिफिक पार्ट। यहाँ आपको मार्कर्स दिया गया है जिससे कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ लुक एट द टाइमलाइन। iPad Air 4 में 4K वीडियो बिल्कुल बटर स्मूथ आप एडिट कर सकते हो और ये तो बस एक 1080p क्लिप है और यहाँ पर दोस्तों आप बहुत ईजिली स्क्रॉल कर सकते हो, कोई भी लैगिनेस आपको नज़र नहीं आएगी। वीडियो के ऊपर डबल टैप करेंगे देन आपको बंच ऑफ प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्पीड, वॉल्यूम, कलर्स, क्रॉपिंग सभी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर फ्रेमिंग को हल्का सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पीछे का बॉर्डर दिखाई ना दे। और कलर्स में जाके दोस्तों आप ढेर सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक कि किसी भी और मोबाइल लेवल ऐप में इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन दिया गया है। यहाँ से दोस्तों आपको बहुत सारे प्री बिल्ट लर्ट्स भी मिल जाएंगे जिससे कि आप वन क्लिक कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। और अलग अलग लर्ट्स दोस्तों आपको अलग अलग ही लुक देंगे और आप दोस्तों यहाँ पर इनके इंटेंसिटी लेवल को भी सेट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लगे। बट आप चाहे तो दोस्तों अलग से कस्टम लर्ट्स भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा खुद का एक लर्ट बनाया है। एंड सी द बिफोर एंड आफ्टर, ह्यूज चेंज दोस्तों, बिल्कुल अलग ही हो चुका है। एंड नाउ द बेसिक्स यानी कि कट। नो वन इज़ परफेक्ट दोस्तों और अभी भी दोस्तों मैं वीडियोज़ में बहुत सारे पॉजेस लेता हूँ, तो चलिए उनमें से किसी को हम कट करते हैं और क्विकली डिलीट करते हैं। आप चाहे तो दोस्तों जितना मर्जी जूम कर सकते हैं ताकि आप एक परफेक्ट कट कर पाए। लेट मी डू सम ऑफ देम। यह एक बहुत ही दोस्तों कूल फीचर है कि आप इस मिनी टाइमलाइन से भी क्विकली नेविगेट कर सकते हैं और डेफिनेटली ये टाइम सेव करता है। मैं अपने वीडियोस में दोस्तों हमेशा ही हेयर एंड देयर जूम इफेक्ट डालता हूँ हल्का सा, और लूमा फ्यूजन में ये करना बहुत इजी है। आप इजीली जाके क्रॉप में से यहाँ पर इसको जूम कर सकते हैं एंड इट लुक्स रियली नाइस। बट यस, अगर आप चाहे कि एक स्लो हल्का सा जूम एनिमेशन मिले देन लूमा फ्यूजन में दोस्तों आप की फ्रेमिंग भी कर सकते हो। नाउ सी दोस्तों मैंने यहाँ पर की फ्रेमिंग कर लिया है और अब आपको बिल्कुल एक हल्का सा जूम इन इफेक्ट मिल जाएगा।
वीडियो में इंट्रो ना हो तब तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, तो चलिए अपना इंट्रो भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। बट ये इंट्रो दोस्तों बहुत ही स्लो है, तो जल्दी से मैं इसकी स्पीड में जाके इसको फास्ट कर देता हूँ ताकि ऑडियंस तंग ना हो जाए। यहाँ से दोस्तों आप इजीली स्पीड चेंज कर सकते हैं और मैं इसको अराउंड 1.5x स्पीड में देता हूँ और देखिए इसका लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो गया है। अब नव वीडियो की इस पार्ट को हमें मूव करना होगा और इसके लिए दोस्तों हमें लेफ्ट साइड से इस ऑप्शन को टॉगल करना होगा एंड देन यू कैन मूव इट फ्रीली। लूमा फ्यूजन में दोस्तों आप कुछ मार्कर्स भी ऐड कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ नोट डाल सकते हैं और दोस्तों ये बहुत ही एक हेल्पफुल फीचर है ताकि फ्यूचर में जब आप फिर से एडिटिंग करें देन आपको याद रहे कि एग्जैक्टली उस पॉइंट में आपको क्या करना था। मैं यहाँ पर बी रोल्स ऐड कर देता हूँ। नाउ लेट अस इंपोर्ट सम बी रोल्स और अब दोस्तों मैं बिल्कुल इन बी रोल्स को उन्हीं एग्जैक्ट मार्क पर ड्रैग कर सकता हूँ बहुत ही ईजिली ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर जाके इसको कलर करेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप अलग से लेवल्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, रेड, ब्लूस, मतलब सभी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर मैं कुछ क्विक एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और ताकि ये दोस्तों और भी बढ़िया लगे। तो कर लिया है दोस्तों मैंने एडजस्टमेंट एंड लुक एट बिफोर एंड आफ्टर। नाउ एक्चुअली दोस्तों आप एक वीडियो से इसके प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करके दूसरे वीडियोस के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार एडजस्टमेंट करना ना पड़े और ये आपका टाइम भी सेव करेगा। आपको ढेर सारे दोस्तों टेक्स्ट ऑप्शंस भी दिया गया है और आप इजीली उनको ड्रैग कर सकते हैं। तो चलिए टेक्स्ट को हम हल्का सा कस्टमाइज भी कर लेते हैं। एंड फाइनली दोस्तों टेक्स्ट के शुरू और आखिर में हम कुछ ट्रांजिशन डाल देते हैं। अब फाइनली दोस्तों हम करेंगे इसको रेंडर एंड ऑब्वियसली हम इसको 1080p पर रेंडर करेंगे और इसका साइज़ होगा अराउंड 1.5 GB। और ये दोस्तों अराउंड एक 6 मिनट का वीडियो है और अगर मेरे पुराने PC में मैं इसको रेंडर करता तब तो अराउंड 30 मिनट्स तो लग ही जाता, बट अब देखते हैं कि iPad में ये कितना जल्दी होता है। एंड डिड यू सी दैट, बस 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा इसने टाइम लिया और पूरा वीडियो रेंडर हो चुका है। तो गाइस देखा आपने और आप बोलिए कि क्यों मैं इसको यूज़ ना करूं? ये मेरा रेंडरिंग टाइम सेव करता है बाय ऑलमोस्ट 25 मिनट्स और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पोर्टेबल है, टस्किन है, इजीली मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ और ऑलमोस्ट सभी आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे। एंड ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये PC लाइक एक सॉफ्टवेयर है, नहीं, PC में अभी भी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बट एक डे टू डे यूजेज के लिए, कैजुअल वीडियोस के लिए, इवन बहुत सारे प्रोफेशनल स्टेप के लिए भी ये दोस्तों मोर देन इनफ है। एंड ऑब्वियसली गाइस हाँ, बहुत अगर कॉम्प्लेक्स वीडियो होगा देन मैं PC यूज़ करूँगा, लेकिन अगर नॉर्मल वीडियोज़ है देन वाई नॉट iPad? और ऊपर से इसका जो पावर है, जो शक्ति है, दैट्स अनइमेजिनेबल। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करना ना भूलिए, वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में। पीस।